गाजा के दक्षिणी इलाके में इसराइल के हमले में भारत के पूर्व सैनिक कर्नल वैभव काले की दुखद मृत्यु हो गई। इसराइल और हमास के बीच गाजा में जारी जंग के बीच ये पहला मौका है जब किसी भारतीय को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस घटना को लेकर भारत ने तो चिंता जताई ही है, साथ ही वैभव काले की मौत को लेकर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी निंदा की है और इसराइल को कटघरे में खड़ा किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अहम खुलासा भी किया है जिससे इस घटना में इसराइली सेना की गलती नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता रोलांडो गोमेज ने कहा है, यूएन ने इजरायली अथॉरिटी को अपने काफिलों के मूवमेंट के बारे में बता दिया था। किसी भी मामले में ऐसा होता है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ऐसा ही कल भी हुआ था और हमने इजरायली अथॉरिटी को जानकारी दी थी। यही नहीं, हमारे काफिले के गाड़ियों में ये भी लिखा था कि ये यूएन के वाहन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने वाहन पर हुए हमले की जांच का फैसला भी किया है। हालांकि मामले को लेकर इसराइल का कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हम इस मामले की जांच करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस घटना को लेकर कहा है कि जो हुआ वो चिंताजनक है। गाजा में यूएन के वाहन पर हमले को लेकर हम चिंतित हैं। इस घटना में एक सहायक कर्मी की मौत हुई है और एक जख्मी है। संयुक्त राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, वो लोग जिंदगियां बचाने में लगे हैं। हम इस घटना की पूरी जांच की मांग करते हैं। गौरतलब है कि भारतीय पूर्व सैन्य अफसर वैभव काले संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा विंग में काम कर रहे थे। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वो अपने एक सहकर्मी के साथ राफा के एक अस्पताल में जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार पर अटैक हुआ जिसमें उनकी जान चली गई और उनका एक साथी जख्मी हो गया। आपको बता दें कि राफा में अब इसराइल काफी अंदर तक घुस चुका है। इसके चलते करीब 4.5 लाख लोग इलाके से पलायन कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।